ड्रग्स को लेकर सुर्खियों में रहने वाला पंजाब आजकल क्राइम की वजह से खबरों में आ चुका है, क्योंकि आरोप यह है कि पंजाब की नई सरकार बनने के बाद गन कल्चर के मामले तेजी के साथ बढ़ गए हैं, जिस पर अब सीएम मान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और पंजाब को बदनाम करने की साजिश के आरोप भी लगाए हैं। डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह और शिवसेना नेता सुधीर सूरी की दिनदहाड़े हत्या के बाद पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहे सवालों पर सीएम मान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीएम मान ने कानून व्यवस्था पर विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए पंजाब को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। मान ने इसके साथ ही यूपी और बिहार में होने वाले क्राइम का हवाला दिया है। सीएम मान ने कहा, पंजाब में यूपी बिहार से अपराध कम है, पिछले दिनों में छोटी मोटी वारदातें हुई हैं और पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पुराने हथियारों को लेकर भी जांच जारी है। जिन लोगों को हथियारों के लाइसेंस जारी हुए वो किसके कहने पर हुए इसकी जांच की जा रही है। अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। सीएम मान का बयान ऐसे वक्त में आया जब गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के हालात पर टिप्पणी की है। अमित शाह ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा था, पंजाब के हालात पर हमारी नजर है, पंजाब की स्थिति को केंद्र सरकार किसी सूरत में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देंगे। पंजाब में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने लगातार मान सरकार पर हमला बोला। जिन्नी माड़ी हालत पंजाब दे विच अमन कानून की अज है, जे मुख्यमंत्री साहब उहदे बारे थोड़ा जिहा भी गंभीर होण ते उहनां नूं नींद नहीं आउणी चाहीदी। पर अफसोस है कि सारा पंजाब ते अज रातां जाग के कढ रिहा, पर मुख्यमंत्री साहब के बयानों तो लगता है कि उहनां नूं किसी की पंजाब की पंजाबियों की चिंता नहीं। अज हैरानी होंदी है सुन के कि पंजाब दे विच टारगेटेड किलिंग हो रही है, मर्डर हो रहे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं। अगर तुमने करना ही कुछ नहीं है, तुम्हारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। अगर किसी बाहरले प्रदेश से आते हैं उनको रोकने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। अगर आपके प्रदेश में आते हैं उनको पकड़ने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। ऐसे सभी प्रदेशों में आजू बाजू के प्रदेशों से आगे लोग क्राइम करते हैं, इसका मतलब उसका ठीकरा हम दूसरों पर फोड़ दें? नहीं, वो पूरी तरह से हर फ्रंट पे जो आप पार्टी की सरकार है पंजाब में वो फेल हो गई है। वो किसी तरह से ये तो आप पार्टी का कल्चर है कि अपनी कमियों को दूसरों पर डाल दो। तो पंजाब बंदूक और विस्फोटक से जुड़ी हिंसा के मामले में देश में 15वें स्थान पर है। पंजाब में जहां प्रतिदिन औसतन 1.2 मामले सामने आए, वहीं हरियाणा में 6 और राजस्थान में 18 मामले रजिस्टर हुए। बंदूक हिंसा के मामले में देश का टॉप 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, जहां पंजाब से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। साल 2021 में रिलीज हुई NCRB की रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2021 के मुताबिक साल 2021 में दिल्ली में 2,946 केस, इंदौर में 1,702 केस, गाजियाबाद में 1,101 केस और पंजाब में 517 बंदूक हिंसा के केस दर्ज किए गए हैं। यानी साल 2021 दिल्ली, इंदौर और गाजियाबाद जैसे शहर के मुकाबले पंजाब में बंदूक हिंसा के 3 गुना कम मामले रजिस्टर किए गए हैं। यानी राज्य तो दूर, शहरों से भी बहुत पीछे है पंजाब। गन कल्चर को लेकर अगर पंजाब और हरियाणा की तुलना की जाए, हरियाणा में जहां गन वायलेंस के हर दिन औसतन 5.9 केस रजिस्टर हुए, तो वही पंजाब में औसतन 1.2 केस रजिस्टर किए गए। साल 2018 से साल 2021 के बीच हरियाणा में गन क्राइम के 8,757 केस दर्ज किए गए, जबकि पंजाब में 1,820 केस दर्ज किए गए। आंकड़ों के लिहाज से पंजाब भले ही देश के दूसरे राज्यों से पीछे हो, पर सीमा से सटे वाला राज्य होने की वजह से हाल की घटनाओं को लेकर चिंता जायज है। आज तक ब्यूरो।